हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। मैं फार्मासिस्ट विकास दुबे स्वागत करता हूं आप सबका आप सबके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा सॉल्यूशन अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं क्रोसीन 120, यानी क्रोसीन 120 जो आती है पेडियाट्रिक यूज के लिए, जो सिरप बनी है पैरासिटामोल की, उसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। आज हम जानेंगे कि पैरासिटामोल का जो पेडियाट्रिक सिरप जो आता है, यानी सस्पेंशन जो आता है, उसका हम कैसे यूज करते हैं, कितने साल के बच्चों को हम दे सकते हैं, ये कैसे देना होगा और कब देना होगा, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि सिरप कितनी प्राइस है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही जब मेडिसिन की रिव्यू वाली वीडियोस हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं क्रोसीन 120 के बारे में। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्रोसीन 120 का जो सस्पेंशन है उसके बारे में आज हम जो डिस्कस करेंगे वो आपको हमारे स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। जहां तक आपको इसका लेवल समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रोसीन 120 जो पैरासिटामोल पेडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, ये बच्चों के यूज के लिए सिर्फ है, इसलिए इसमें लिखा हुआ है पेडियाट्रिक सस्पेंशन, क्योंकि बच्चे ही सिर्फ इसको यूज करेंगे, क्योंकि वो 120 mg की जो ये सिरप बनाई गई है वो सिर्फ बच्चों के यूज के लिए बनाई गई है। 60 ml की ये सिरप है और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में हमारे पास अभी अवेलेबल है। तो चलिए बात करते हैं कि पैरासिटामोल होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि पैरासिटामोल क्या है, एंटीपायरेटिक ड्रग होता है जो बुखार और हल्के फुल्के दर्द के लिए यूज किया जाता है। तो बच्चों को जब भी बुखार हो, यानी कि जब भी उनका बॉडी का टेम्परेचर राइज हो, तो हम पैरासिटामोल सिरप दे सकते हैं उनको। और पैरासिटामोल सिरप में सबसे फेमस जो सिरप है वो क्रोसीन ही है। क्रोसीन का 120 भी आता है, 250 भी आता है, यानी कि 120 mg का भी और 250 mg का भी आता है। यानी कि अगर आप एक साल से या दो साल से बड़े बच्चों को देना चाहते हैं तो आप देंगे 250 वाला देंगे, और अगर आप उससे छोटे बच्चों को दे रहे हैं, एक साल से नीचे के बच्चों को दे रहे हैं, तो आप क्या देंगे, 120 देंगे। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि कौन सी कंपनी इसको बनाई है। तो ये जो सिरप है, गैलेक्सो स्मिथ काइन ने बनाया है इसको, और ये 60 ml के सिरप है और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में अभी हमारे पास अवेलेबल है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि कब इसको यूज करना है और कितने साल तक के बच्चों को इसको हम कितना देंगे। तो आप, मैंने बताया ही शुरू में, इसको हम जब बॉडी का टेम्परेचर राइज हो बच्चे का, यानी कि उसको जब बुखार हो, फीवर हो, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम उस बच्चे को पिलाएंगे। अब कितने ml कितने साल के बच्चे को पिलाना है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, और साथ ही साथ मैं इसको दिखा भी देना चाहता हूं कि यहां पे आपको लेबल पे दिख रहा होगा, और आप इसके इंग्रेडिएंट में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इंग्रेडिएंट सिर्फ और सिर्फ इसका क्या है, पैरासिटामोल ही है। पैरासिटामोल ही इसका मेन ड्रग है जो इसमें डाला गया है। अब हम आप स्क्रीन पे थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देंगे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और आपको किस जो डॉक्टर आपको बताएगा वो भी यही बताएगा। यहाँ पे अगर आप थोड़े भी पढ़े लिखे और समझदार हैं तो आप इसको देख के भी समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वेट के अकॉर्डिंग आप डोज इसको देंगे। जैसे कि 10 से 12 kg का अगर बच्चा है तो आप इसको 6 से 7 ml देंगे, और अगर 12 से 14 kg का बच्चा है तो आपको इसको 7 से 8 ml देना होगा, और 14 से 18 kg का बच्चा है तो उसको 8 से 11 ml आप दे सकते हैं, और अगर 18 से 20 kg का बच्चा है तो आप उसको 11 से 12 ml दे सकते हैं। अब इसको ये जो इंग्रेडिएंट्स, यानी कि जो आपको क्वांटिटी मैंने बताया है, वो आप हर 4 घंटे में उसको देंगे जब तक उसका बुखार ठीक नहीं हो जाता। यानी कि अगर आपको, फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा 10 kg का है तो आप उसको 6 ml हर 4 घंटे में दे सकते हैं। आशा करता हूं ये समझ में आ रहा होगा आपको। एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा कि जो भी आप एवरेज उसका केजी के हिसाब से आप अगर उसको दे रहे हैं, जितना भी डोज प्रिस्क्राइब किया गया है, उसको हर 4 घंटे में उसको देंगे जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है, या जैसे आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, जैसे आपके डॉक्टर बताएंगे, उस हिसाब से इसको फॉलोअप करेंगे आप। हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमारी ही बताई हुई दवाई यूज करें, हम सिर्फ और सिर्फ वीडियो में रिव्यू करते हैं, मेडिसिन के बारे में आपको अवेयर कराते हैं, और इसलिए आप हमारा वीडियो देख के तुरंत यूज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब तक आपको कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता है तब तक आप खुद से इसको नहीं लेंगे, क्योंकि हर दवा का क्या होता है कि साइड इफेक्ट भी होता है और बच्चों पर इसका बुरा असर भी पड़ सकता है उनके ऑर्गन्स पे। तो देखिए, इसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, पैरासिटामोल का साइड इफेक्ट है आपके लिवर पे, बच्चों के लिवर पे असर डाल सकता है ये,
तो आप डोजेस के बारे में आप समझ ही गए होंगे। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की कि कितने रुपए का आपको ये मिलेगा मार्केट में। तो यहाँ पे आपको लेबल पे दिख रहा होगा 39 रुपीज 64 पैसे का ये आपको 60 ml का ये सिरप मिल जाएगा, जो कि GSK ने बनाया है। GSK बहुत ही फेमस ब्रांड है जो सिरप वगैरह बनाती है, और साथ ही साथ बहुत सारे टेबलेट्स भी मैन्युफैक्चर करती है। ये बहुत ही ट्रस्टेबल ब्रांड होता है GSK, और ये जो ड्रग है एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक पैरासिटामोल का, ये सबसे अच्छा और असरदार सिरप है। इसकी पोटेंसी और इफिकेसी बहुत ही अच्छी है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही जब हम नई मेडिसिन की रिव्यू करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू सो मच।